उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, सबसे पहले हमें चाहिए घी, ये मेल्ट हुआ घी नहीं है, दूसरा घी है, और चिकन चाहिए हमें, हमें चाहिए शवारमा ब्रेड और चेडर चीज, और इसके साथ हमें चाहिए ब्लैक पेपर, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर जिसे हम सिरका भी कहते हैं, और साथ सॉल्ट। फ्रेंड्स सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब मैं मैरिनेट करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए नमक, इसको भी हम 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून नमक। अब हम सॉसेस डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे चिली सॉस, इसको हम सबसे पहले ओपन करते हैं। फ्रेंड्स जब हम डालते हैं बस। फ्रेंड्स अब हम डालने वाले हैं सोया सॉस। सोया सॉस भी हो गया। अब हम डालेंगे विनेगर, जिसे हम कहते हैं सिरका। फ्रेंड्स अब मैं इसको स्पून से मिक्स करता हूँ। फ्रेंड्स अब हम चिकन को 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स उतनी देर हम ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं ब्रेड को खोल के मैं स्लाइस में अलग अलग कर देती हूँ। ये हमारी ब्रेड, अभी हमारी ब्रेड जो है वो ओपन हो चुकी है, तो हम इस पैन को आग के ऊपर रखेंगे। अब मैं इस पैन को ग्रीस करूँगा। बस हमारे ग्रीस भी हो गए। फ्रेंड्स अब हम फर्स्ट स्लाइस को हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं आवाज आ रही है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट स्लाइस जो है वो हो गया है। मिलते हैं चिकन को बनाते वक्त। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सारे के सारे पीसेस को हमने बना लिए पिज्जे। अब हम चिकन बनाने वाले हैं। हम सबसे पहले मैंने घी डाला, ये हमारा चिकन है, अब हम इसको डाल देते हैं। फ्रेंड्स ये चिकन के पीछे इतना रंग आना शुरू हो गया, वाइट वाइट सा हो गया इसका रंग। फ्रेंड्स अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, उसके बाद हम फाइनल रेसिपी शुरू करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये चिकन को उतार लेते हैं। फ्रेंड्स हम चिकन को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, और तब तक हम केचप लगा लेते हैं हमारे ब्रेड के ऊपर। सबसे पहले हम केचप खोल लेते हैं, थोड़ा सा केचप इस पर लगा लेते हैं। हमने केचप थोड़ा सा ले लेते हैं, बस केचप हो गया। फ्रेंड्स अब इसको हम चम्मच से पूरी ब्रेड के ऊपर लगा लेते हैं। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम वेजिटेबल्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम इस वजह से यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि मुझे जो वेजिटेबल्स है ना मुझे पसंद नहीं है पिज़्ज़ा के अंदर। तो अब हम चिकन को डाल लेते हैं। और चिकन ले लेते हैं। अब हम चिकन को लगा लेते हैं।
फ्रेंड्स अब मैं इस पर चीज रखने वाला हूँ। फ्रेंड्स बहुत मजे का लग रहा है। ये है हमारी चीज। अब हम डालते हैं ओरिगैनो। इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। अभी हम थोड़ा सा ओरिगैनो डाल लेते हैं इसके अंदर। बस ओरिगैनो हमारा डाल गया। हम इसको इसमें वापस रखते हैं। फ्रेंड्स वो चीज थोड़ी सी कम लग रही है, इसमें से मैं और डालता हूँ। फ्रेंड्स अब मैं इसको ओवन में रखूंगा। हम इसको आम ओवन माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे। फ्रेंड्स हम इसको 1 मिनट के लिए रखेंगे। अब देख रहे हैं हमारा गर्म। फ्रेंड्स अब हम इसको खाने वाली प्लेट में रखते हैं। ये बहुत मजे का लग रहा है। चीज की वजह से बहुत गर्म हो गया है। फ्रेंड्स हमारा पिज्जा डिश में आ गया है। अब हम मिलते हैं टेबल पे। फ्रेंड्स हमारा पिज्जा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा भाई कितना खुश नजर आ रहा है। पिज्जा बहुत यम्मी दिख रहा है। मुझे इतनी भूख लगी है ना कि मैं ये पिज्जा खा के बाकी पिज्जा रेडी करूंगा। अभी सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम कट करते हैं पहले। अब यहाँ फ्रेंड्स ये चिकन है यहाँ पर, इसको सर साइड पे कर। फ्रेंड्स हमारा पिज्जा अब हम खाने वाले हैं, टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम केचप डाल देते हैं। देखने से तो गाइस बहुत यम्मी लग रहा है। चलो चलो चलो, अरे कपड़े गंदे हैं। आपको जरूर ट्राई करना होगा घर पे गाइस, बहुत मजे का, सेम टू सेम बाहर जैसा। वाव केचप के साथ तो मजा ही अलग हो गया। ये कोल्ड ड्रिंक है हमारे साथ, अभी कोल्ड ड्रिंक डालते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और हमारे इस वीडियो को बहुत से शेयर कीजिए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।